जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 हमारी कंटिन्यू थी और उसमें है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने आगे से स्टार्ट करना है। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मुकम्मल कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप वो वीडियो लाजमी देखें ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है स्लोप का स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास वो क्लियर हो सके और जो भी कंडीशन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पैरेलल की और परपेंडिकुलर की कंडीशन, ठीक है। सो इसका पार्ट नंबर 1 जो है इसमें 1, 2, 3 कवर किया है, इसको लाजमी आपने देखना है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे कहा जा रहा है आर दी लाइन्स L1 L2 पासिंग थ्रू दी गिवन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर और नीदर। सो पैरेलल कब होती हैं, अगर किसी दो लाइन के स्लोप्स इक्वल हों तो वो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। परपेंडिकुलर कब होती हैं कि अगर दो लाइन्स जो लाइन हैं उनके जो स्लोप्स हैं उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए तो परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लिखवाया भी था आपको, ये मैं देख लेता हूँ यहाँ से आपको अगर ये मिल जाए, ये रहा, ठीक है। जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के बराबर होगा। इन्हीं दोनों कंडीशन को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर L1 से M1 निकालना है और L2 से M2 निकालना है, फिर देखना है कि वो इक्वल आते हैं तो पैरेलल होंगे और अगर उनका प्रोडक्ट इक्वल आता है -1 के तो वो परपेंडिकुलर होंगे और अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता तो वो नीदर होगा, यानी उनमें से कोई भी नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट M1 with the slope of L1 and M2 with the slope of L2 so that M1 will be equal to Y2 minus Y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। सो यहाँ पर आपके पास क्या है L1 के कोऑर्डिनेट्स 1,2 एंड 3,1, तो यहाँ से आपको x1 मिलेगा, y1 मिलेगा, 1,2, x2 y2, 3,1। सो y2 क्या है आपके पास 1 minus y1 है 2 डिवाइड बाई x2 minus x1 3 minus 1। 1 minus 2 इज माइनस का 1, 3 minus 1 इज 2। तो सिंपली आपके पास M1 क्या आ गया, माइनस का 1/2, बस मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा ना, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं यहाँ पर M2। M2 के लिए फार्मूला सेम रहेगा, y2 minus y1 डिवाइड बाई x2 minus x1। फ़र्क सिर्फ आएगा इसके y1 x1 इन वैल्यूज़ में, जो कि हम कहाँ से लेंगे, L2 की वैल्यू से लेंगे। सो x1 y1 0 एंड -1, x2 y2 2 एंड 0। सो ये हो जाएगा y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू -1 डिवाइड बाई x2 की वैल्यू 2 -x1 की वैल्यू 0, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 1 आ जाएगा, 2 माइनस 0 इज 2, ठीक है, M2 आ गया। तो इक्वल तो नहीं आया ये दोनों, ये तुम्हें पता लग गया, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाते तो पैरेलल हो जाते M1 और M2, फर्क आ रहा है नेगेटिव साइन का। नाउ लाइन 1 एंड लाइन 2 आर नॉट पैरेलल, लाइन 1 या सिंपल लिख दो L1 एंड L2 आर नॉट पैरेलल ठीक है, पैरेलल नहीं है। अब परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, चेक करना पड़ेगा, पैरेलल तो देख के पता लग जाएगा, दोनों इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं है। आप परपेंडिकुलर के लिए क्या करते हैं इसको देखते हैं, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं।
फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है, एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन। एम वन की वैल्यू क्या थी, माइनस का वन अपॉइंट टू, और एम टू की वैल्यू क्या थी, वन अपॉइंट टू इक्वल टू माइनस वन। ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन फोर नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। सो ये भी बराबर नहीं आया, एम वन एम टू को मल्टीप्लाई कराओ माइनस वन आना चाहिए था, ये भी इक्वल नहीं आया। देयर फोर गिवन लाइन्स आर एल वन एंड एल टू आर नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, सो ये कहाँ पर लाई करेंगी, नीदर। तो इसका आंसर क्या होगा, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। नीदर, नीदर का मतलब सिंपल क्या है, असल में नीदर पर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहला सवाल था, मैंने यहाँ पर काफ़ी डिटेल में आपको बताया है सब कुछ लिख लिख के लंबा लंबा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इतनी ज़्यादा वर्डिंग नहीं यूज़ करेंगे, लेकिन पेपर के लिहाज से अगर बताऊँ तो आपने क्वेश्चन इसी वन को इसके मुताबिक फॉलो करना है। वर्डिंग आपने लिखनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी आप वर्डिंग लिखेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा मार्क्स के हवाले से, उतना ही आपका जो है वो कॉन्सेप्ट भी अच्छा क्लियर होगा, ठीक है, कि आप कर क्या रहे हैं। सिंपल मैथमेटिक्स लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, ओनली आपने इंग्लिश की वर्डिंग को लाजमी अडॉप्ट करना है अपने मैथमेटिक्स के पेपर के अंदर। जी तो यहाँ पर अब M1 को हमने निकालना है, यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए भी L1 आपको दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, यहाँ से पहला वाला M1 L1 से निकलेगा और M2 आपका L2 से निकलेगा। सो Y2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 1 माइनस Y1 की वैल्यू 3, और X2 आपके पास है 3 माइनस X1 की वैल्यू 0 माइनस का 2 अपॉन 3, M1 आ गया। M2 देखेंगे यहाँ पर Y2 माइनस फाइव माइनस फोर, X2 की वैल्यू माइनस सेवन माइनस इंटू माइनस वन, माइनस का नाइन अपॉन माइनस सेवन और माइनस माइनस प्लस का वन, ये हो जाएगा माइनस का नाइन अपॉन माइनस का सिक्स। तो ये आ जाएगा थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री टू ज़ा सिक्स, थ्री अपॉन टू पॉजिटिव आ गया, ठीक है। आप पैरेलल करके देखेंगे आप यहाँ पर, एम वन एम टू आपके पास, ये एम टू है, ठीक है। फॉर पैरेलल M1 is not equal to M2, L1 and L2 are not parallel, ठीक है। Now for perpendicular, इसके लिए क्या हो जाएगा, M1 M2 इक्वल टू माइनस वन, ये कंडीशन होती है। M1 की वैल्यू क्या है, माइनस का टू अपॉन थ्री, M2 की वैल्यू क्या है, थ्री अपॉन टू इक्वल टू माइनस वन। ये क्या आ रहा है आपके पास, थ्री से थ्री कट गया, टू से टू कट गया, माइनस का वन इक्वल टू माइनस वन। देयर फोर एल वन एंड एल टू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन आ गई। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर थ्री, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर थ्री। यहां पर है, इसमें से भी हम एम वन एम टू निकालेंगे। सो एम वन आपके पास सिंपल निकलेगा एल वन से, एम वन विल बी इक्वल टू वाई टू, यहाँ से आपको मिलेगा माइनस सेवन एंड वाई वन माइनस का वन,
एक्स टू फाइव एंड एक्स टू एक्स वन आपके पास है टू, सो माइनस सेवन माइनस इंटू माइनस वन डिवाइड बाय फाइव माइनस टू, माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस वन डिवाइड बाय थ्री। माइनस सेवन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का सिक्स अपॉन थ्री, सो माइनस सिक्स अपॉन थ्री इज थ्री टू द सिक्स माइनस का टू, एम वन आ गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से एम टू निकाल लेते हैं, एम टू विल बी इक्वल टू वाई टू, वाई टू माइनस वाई वन माइनस फाइव माइनस ज़ीरो, एक्स टू माइनस सेवन माइनस ज़ीरो माइनस फाइव अपॉन माइनस सेवन, माइनस से माइनस कट गया, फाइव अपॉन सेवन ये आ गया एम टू। ठीक है, सेंस एम वन इज़ नॉट इक्वल टू एम टू, एल वन एंड एल टू आर नॉट पैरेलल। ठीक है, पैरेलल नहीं होंगे, परपेंडिकुलर के लिए क्या होना चाहिए, एम वन एम टू इक्वल टू माइनस वन, सो माइनस टू इंटू फाइव अपॉन सेवन इक्वल टू माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस का टेन अपॉन सेवन इक्वल नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये तो माइनस वन के बराबर नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एल वन एंड एल टू आर नॉट पैरेलल। ठीक है, यानी कि पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नीदर होगा। सो एल वन एंड एल टू आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। जी फ्रेंड्स, तो एम वन और एम टू यहाँ से भी हम फाइंड करेंगे पार्ट नंबर फोर के अंदर। एल वन से आप एम वन निकालेंगे सिंपल, वाई टू ज़ीरो माइनस ज़ीरो डिवाइड बाय टू माइनस वन, सिंपली ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो, एम वन आ गया आपके पास। एंड एम टू वाई टू इज़ माइनस फाइव माइनस वाई वन इज़ माइनस फाइव, एक्स टू इज़ माइनस टेन माइनस फाइव, माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस का फाइव डिवाइड बाय माइनस का फिफ्टीन, ये आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो सिंपल अगर आप देखें यहाँ पर, सिंस एम वन इक्वल टू एम टू, सो एल वन एंड एल टू आर पैरेलल, तो यहाँ पर पैरेलल लाइन भी हमें मिल गई। ठीक है, एक पैरेलल वाला मिल गया हमें क्वेश्चन यहाँ पर, दो नीदर वाले और एक परपेंडिकुलर वाला, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फोर मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक अगर आप देखें तो, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था, तो क्वेश्चन लिखने में यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर टू का आई थिंक ये पॉइंट लिख दिया था यहाँ पर, जबकि ज़ीरो ज़ीरो एंड माइनस वन कॉमा टू है। ठीक है, माइनस वन कॉमा टू, तो माइनस वन कॉमा टू से आप निकालेंगे यहाँ पर वाई टू माइनस वाई वन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास एम टू के लिए, वाई टू क्या है टू माइनस ज़ीरो डिवाइड बाय, एक्स टू क्या है माइनस वन माइनस ज़ीरो, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा टू अपॉन माइनस वन एंड माइनस का टू। सो एम टू यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का टू, ये गलत कर दें इसको, ठीक कैंसिल कर दें इसको, ये हमने गलत निकाला था। सो एम वन भी यहाँ पर माइनस का टू है और एम टू भी माइनस का टू आया है, तो यहाँ पर एम वन इक्वल टू एम टू हो जाएगा, ये एम वन इक्वल टू एम टू, एल वन एंड एल टू आर पैरेलल। सिंस एम वन इक्वल टू एम टू, ठीक है, एल वन एंड एल टू आर पैरेलल, तो आगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, जब लाइन पैरेलल हो जाएगी इसको परपेंडिकुलर के लिए देखेंगे ही नहीं हम। ठीक है ना, तो एम वन इक्वल टू एम टू, तो ये हमारी मिस्टेक थी जो कि हमने सवाल लिखने में गलती की थी, उसे आप लाजमी करेक्ट कर लीजिएगा। होपफुली आपने लिखने नोट किया होगा कि मैंने क्वेश्चन में गलती लिखने में गलती की थी। सो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें क्या कह रहा है,
द लाइन थ्रू 6, -5, 4 एंड -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, 1 एंड 0, y. फाइंड y. सो आपके पास दो लाइन्स हैं, कंडीशन दी हुई है कि दोनों लाइन्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, ठीक है. तो अगर कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे और जो कोऑर्डिनेट y यहाँ पर मिसिंग है उसको हम फाइंड करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है. जो कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए हुए थे मैंने लिखे हैं यहाँ पर. इसके अलावा लेट भी कर लिया कि लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन थ्रू फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स एंड m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स. सो इन पॉइंट से जो लाइन गुजर रही है वो उसको हम कहेंगे उसका स्लोप m2 होगा, और इन पॉइंट से जो लाइन गुजर रही है उसको हम कहेंगे स्लोप उसका m1 होगा. सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर कंडीशन क्या दी हुई है, दीज लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लाइन्स क्या पैरेलल हैं, तो m1 क्या हो जाएगा, m2 होगा. ऑब्वियसली जब लाइन पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1. हम फाइंड करेंगे m1 की वैल्यू जो कि मुझे इन कोऑर्डिनेट से मिलेगी, इन पॉइंट से मिलेगी, m2 की वैल्यू जो कि मुझे इन पॉइंट से मिलेगी, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पर m1 निकालते हैं. m1 के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1. y2 आपके पास क्या है, इन कोऑर्डिनेट से मिलेगा आपको, 2 है और y1 है माइनस का 4, ठीक है. अलग से लिखना भी चाहें कि x1 ये है, y1 ये है, जैसे हम पहले लिखते आए हैं वो भी लिख सकते हैं आप. मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है x1 y1 वगैरह निकालने की, ठीक है. सो y2 आपके पास 2 है माइनस y1 आपके पास माइनस का 4 है डिवाइड बाय x2 है माइनस 3 और x1 है 6, ठीक है. इस तरह से 4m2 फॉर्मूला सेम रहेगा, y1 y2 वगैरह चेंज हो जाएंगे यहाँ पर. m2 के लिए हम कहाँ से निकालेंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स, ये वाले पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे, इनसे कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे. y2 बराबर है y के, y1 बराबर है 1 के, x2 बराबर है 0 के, x1 बराबर है 2 के, ठीक है. अब हम इनको फाइंड आउट करते हैं. 2 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 3 माइनस 6 इज माइनस का 9, 2 प्लस 4 इज 6 अपॉन माइनस का 9. सो 3 टू ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, माइनस का 2 अपॉन 3 हो जाएगा, m1 आ गया. इस तरह से यहाँ से m2 हमारे पास क्या होगा, सिंप्लीफाई मज़ीद तो नहीं होगा, ये y माइनस 1 अपॉन माइनस का 2, ये m2 आ गया. नाउ इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट m1 इक्वल टू m2, ठीक है, क्योंकि क्या है, पैरेलल हैं. m1 की वैल्यू माइनस का 2 अपॉन 3 इक्वल टू m2 की वैल्यू y माइनस 1 अपॉन माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ये माइनस 2 उधर जाके माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इंटू y1 हो जाएगा, y माइनस 1. माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 3 y माइनस का 3. सो ये हो जाएगा आपके पास 3 y इक्वल टू 4 प्लस 3. सो y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3. ठीक है, तो y आ गया आपके पास 7/3 जो कि रिक्वायर्ड क्वेश्चन में से थे हमारे पास. और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या जा रहा है कि द लाइन थ्रू 2, 5 एंड -3, -2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 4, -1 एंड x, 3. फाइंड x. सिमिलर क्वेश्चन है, कंडीशन चेंज है, वहाँ पैरेलल था यहाँ पर पेंडिकुलर है, वहाँ पर y फाइंड करना था यहाँ पर x फाइंड करना है. तो सिंपल उस तरह से लिखेंगे जैसे हमने पहले सवाल में लिखा था पार्ट नंबर क्वेश्चन 5 में.
तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि दो लाइंस हैं इनसे, मतलब कि दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन गुजर रही है और इन दोनों पॉइंट से मिलकर एक लाइन गुजर रही है और वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो एम वन स्लोप हमने लेट कर लिया पहली लाइन के लिए जो पॉइंट्स दिए हुए थे, दूसरी लाइन के जो पॉइंट्स दिए थे उससे हमने एम टू स्लोप को कंसिडर कर लिया। सो कंडीशन के मुताबिक क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है स्लोप्स के लिए, एम वन एम टू माइनस वन के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ एम वन एंड एम टू इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, सो इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे एम वन और एम टू को, इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर वन। एम वन एम टू को फाइंड करेंगे, क्वेश्चन वन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जैसे हमने वाई निकाला था वैसे ही हम यहाँ से एक्स निकाल लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ फॉर्मूला लिख दिया हमने एम वन के लिए और एम टू के लिए, और फॉर्मूला के बाद मैंने पॉइंट्स भी लिख दिए, पहले वाले जो पॉइंट्स दिए थे उनसे हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल के लिख लिए, और जो दूसरे पॉइंट्स यहाँ पर एक पेयर दिया हुआ था उससे हमने दूसरे से कोऑर्डिनेट्स निकाल के लिख लिए। अब यहाँ पर हम करते हैं फॉर्मूला को अप्लाई, एम वन विल बी इक्वल टू वाई टू इज़ माइनस टू माइनस वाई वन आपके पास है फाइव, एक्स टू है माइनस थ्री माइनस वाई एक्स वन है आपके पास टू, ये हो जाएगा माइनस का सेवन अपॉन माइनस का फाइव, एम वन आ गया। एम टू विल बी इक्वल टू वाई टू थ्री माइनस वाई वन एक्स टू एक्स माइनस फोर, थ्री माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स माइनस फोर, ये हो जाएगा आपके पास फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, एम टू आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो आपका इक्वेशन नंबर वन है ये एम वन है, ठीक है। नाउ वन इम्प्लाइज दैट एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, सो माइनस सेवन अपॉन, ये माइनस से माइनस कट जाना चाहिए था ना, ये लिखता है सेवन अपॉन फाइव, ठीक है। सो एम वन सेवन अपॉन फाइव इंटू फोर अपॉन एक्स माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन, ये हो जाएगा आपके पास सेवन अपॉन फाइव या मल्टीप्लाई वहाँ जाके हो जाएगा रिवर्स में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि फाइव या डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई माइनस फाइव हो जाएगा, और सेवन या मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब इसे करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, डायरेक्ट भी करा के बाद में करा सकते थे इसको, इसको वहाँ भेज देते तो जैसे आपको सूटेबल लगे, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कराते, इसको इससे करवाते, बाद में फिर इसको उधर भेज देते। तो सेवन फोर जो 28 इक्वल टू माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फोर, ये हो जाएगा माइनस का फाइव एक्स माइनस माइनस प्लस 28। सो फाइव एक्स इधर भेज दें, फाइव एक्स इक्वल टू 20 माइनस 28 एंड फाइव एक्स इक्वल टू माइनस का एट एंड एक्स विल बी इक्वल टू माइनस का एट अपॉन फाइव, ठीक है। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर सिक्स भी मुकम्मल हो गया। बस यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, इसके बाद दो क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर टाइम लगेगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जब तक इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।